आज मेरी लाइफ का भाई ये सबसे सैडेस्ट दिन है। बेटा बच्चों की तरह केयर करनी पड़ती है भाई, अगर इसको दे देगा ना तो बढ़िया रहेगा। इसमें ना तो अच्छे से हम काम कर पा रहे, ना तुम अपने काम पे ध्यान दे पा रहे। कई बार जाना पड़ता है, सोचना पड़ता है 20 बार। परेशान तो ही रहे। अब इसमें छोड़ के आए थे, क्या कर दिया था शरीर? फिर कोई था, उसने डाइट भी नहीं देने लग रहे थे। पेट बोर्डिंग में? हाँ पेट बोर्डिंग में। पेट बोर्डिंग में तो फिर ऐसे होता है पेट बोर्डिंग। अब तुम बेटा अपा सारे मान लो कहीं बाहर जा रहे हैं, 4-5 दिन के लिए जा रहे हैं, कहीं भी टूर है, तो पीछे से बेटा ना तो ये है कि घर में छोड़ के जाते इसको और ना ही साथ में लेके जाते इसको। एक बंदा तो परमानेंट चाहिए। परमानेंट चाहिए होता है बेटा। अगर अभी पता है क्या तुम्हारी उम्र क्या है? अभी 18-20 साल की उम्र तो ना होती है। अभी से तुमने इस चीज की जिम्मेवारी संभाल ली। अपने वर्क पे काम फोकस करो, अपने काम पे ध्यान दो, अपने चैनलों को उठाओ। अभी रात को कितनी बार उठना पड़ता है इसके बारे में ना, तुम्हारी नींद पूरी होती है अच्छे से। फिर सुबह फिर लेट उठो तुम तो, यूं कह दो भाई मम्मा रात को लेट सोए थे, यूं कह के कि कब तक काम। बेटा बच्चों की तरह केयर करनी पड़ती है, ऐसे नहीं पलते। चलो तुम्हारा शौक था तो ले आए कोई नहीं, चलो वो तो कोई बात नहीं। पता है क्या है, अगर तुमको आगे बढ़ना है देखो तो ये चीज तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये डॉगी तो लोग बाद में भी ले सकते हैं, और डॉगी लेते हैं ना जब वो ऐसा करते हैं कि भाई एक बंदा उसके पास परमानेंट हायर कर देते हैं। हां जी गाइस, सो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? तो भाई अभी मैं मम्मी पापा के साथ बैठा हूँ यहाँ पे, और भाई अभी बात चल रही है कि हम तूफान को शायद दे रहे हैं, क्योंकि यार उसकी हमें ऐसे लग रहा है कि उसकी ना केयर नहीं हो पा रही, और उसकी वजह से मतलब हम भी अपना रेगुलर काम नहीं कर पा रहे कोई भी। ठीक है, उसमें जब मम्मी आ गई, पापा, मैं, नोनी, कोई भी किसी का भी कुछ सही से मतलब जैसे होना चाहिए ना वैसे नहीं हो पा रहा। अब हम सोच रहे हैं, पापा कह रहे हैं कि तूफान को अब दे देते हैं ना, तो बेटा हम इसको घुमा पाए कहीं भी। ठीक है, घुमाने के लिए भी चाहिए, ये तो है नहीं घर में। फर्श देखो कैसे फिसलता है ये पाँव कई बार। ठीक है, तो इनकी केयर बहुत अच्छे से करनी पड़ती है बेटा। बाहर घुमाना भी पड़ता है सुबह से हम ज्यादा आगे। ठीक है, हमने यही सोच के लिया, छोटा बच्चा कोई बात नहीं पाल लेंगे, लेकिन हमको ये नहीं बताता क्योंकि पहली बार डॉगी रखा है कि इतना वो करना पड़ता है इसके लिए। बच्चों की तरह पालना पड़ता है, बच्चों की तरह केयर करनी पड़ती है, बच्चों से भी ज्यादा केयर करनी पड़ती है बल्कि इसकी। आगे मोहम्मता नहीं बढ़ जाएगी फिर इसकी। अब कहीं भी हम बाहर जाए, बच्चों को तो अपने साथ में लेके जाते हैं हर कोई। अब डॉगी को क्या पता वो दूसरे बंदे एक्सेप्ट ना करते हो। अब पापा जोनी मामा के गए थे, उन्होंने देखा वहां पे कितना परेशान हो गए। दिल्ली भी जाना पड़ जाए मान ले किसी काम के लिए, सुबह से शाम हो जाती है, तो शाम तक इसको कौन रखेगा बेटा, कौन इसको डाइट देगा? तो ये चीजें बेटा ठीक है, इतना नहीं पता था डॉग के बारे में कि कितनी उसके साथ मेहनत करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है। एक चाव चाव में ठीक है, मैं भी साथ में जाके और ले आए थे भाई, हाँ अच्छा लगेगा सब चीजें, लेकिन जब मेहनत होती है ना उसके साथ तब पता लगता है कि हाँ भाई। और दूसरी बात, अगर मेहनत करने से भी हम पीछे नहीं हट रहे, लेकिन हम बाहर जाए तो किसके पास छोड़ के जाए? अभी यहाँ पे छोड़ के गए थे जो इसका सेंटर, जो जहाँ पे डॉगीज वगैरह को रखते हैं, मतलब एक अगले दिन हम वापस आ गए थे, 24 घंटे के लिए छोड़ा था। मतलब इसको ना तो डाइट अच्छी मिली, और इतना बुरा हाल, इतना मैला, मतलब चिपचिप कर रहा था, बिल्कुल ऐसा कर रखा था बिल्कुल ही। आते ही हम घर नहीं आए, सीधा इसको भेजा राहुल और को, इसको नहला के धुला के सब चीज को चेक करवा के अच्छी तरीके से तब लेके आई घर पे। तो हम भी इसकी भी केयर नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, इनका काम, ये अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते। देखो मैं नोट कर रहा हूँ क्योंकि काफी टाइम से कभी डाल दी, कभी वीडियो नहीं डाल ली, तो ऐसे तो इसी में लगे रहेंगे, फिर तो संघर्ष चलता रहेगा बेटा। डॉगी कोई बात नहीं, बाद में ले लेना, मैं ये नहीं कह रहा मत लेना, लेकिन अपने इस काबिल बनो कि हम उसकी अच्छे से परवरिश भी कर सके और अच्छे से उसके ऊपर बंदा भी छोड़ सके। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ कटिंग करवाने के लिए, थोड़ी दाढ़ी वाड़ी और कटिंग वटिंग थोड़ा सेट करवा लेते हैं भाई। और भाई आप लोगों ने देख ही लिया कि क्या सीन है, अभी तूफान को शायद हम दे रहे हैं, पर भाई देने का बिल्कुल भी ऐसे कुछ मन नहीं है कि मतलब मैं सोच भी नहीं सकता ऐसा कि हम तूफान को दे देंगे किसी को। पर भाई मम्मी और पापा काफी दिनों से परेशान है इस चीज को लेकर, हम कहीं बाहर भी नहीं जा सकते, अगर बाहर जाएं तो इसको कहां पर लेकर जाएं, इसे किसे देकर जाएं, कोई है भी नहीं ऐसा। भी हमने बात की है, हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनके पास भी डॉगी है इसकी, शायद वही तूफान को अडॉप्ट कर लेंगे। और भाई वो हमसे दूर नहीं होगा, ठीक है ये मत सोचना कि वो दूर हो जाएगा, कभी मिलेगा नहीं। जब हमारा जी करे, जब हमारा दिल करे, तब हम उससे मिलकर आ सकते हैं, उसे घुमा सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं, तो हमसे उसे दूर नहीं जाने देंगे। I've seen a lot of change, been through a lot of pain,
Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. हाँ जी गाइस, तो अभी हेयर कट वगैरह सब हो गया है डन भाई, और अभी मैं जाता हूँ घर पे, फिर नहाता हूँ और फिर देखते हैं कि भाई तूफान का कैसे करना है। हिमांशु को जब बताया कि भाई ऐसे ऐसे तूफान को अभी छोड़ के आ रहे हैं, तो भाई वो तो ना सुबह से किसी से बात ही नहीं कर रहा। आज उसे आपने व्लॉग में भी कम ही देखा होगा, मतलब वो बिल्कुल शांत हो रखा है और भाई बस कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी भी बैठा बैठा ना मैं जब कटिंग करवा था यही सोच रहा था कि यार क्या होगा कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। अभी मैं नहा लिया हूँ और भाई एक आप सभी के लिए सैड न्यूज़ कि भाई तूफान अब जा रहा है, आज ही जा रहा है, और बस कहने को कुछ बाकी है नहीं, बस जा रहा है। कम कम किसी करो लव यू। सो गाइज अभी मम्मी डाल रही है तूफान का सब सामान बैग में। भाई मत दो। ओए रहन तो नहीं दे रहे, बंद कर दो ये सब। आज मेरी लाइफ का भाई ये सबसे सैडेस्ट दिन है। अभी तूफान जा रहा है। ओके अम्मी जी यहाँ पे एक और रेस्क्यू है भाई, ये तो बिल्कुल वैसे लग रहा है ना वीडियो। लड़के नहीं जाएंगे यहाँ पर? नहीं नहीं भाई काट रहे। गाय नो भाई, इसको उठा तूफान को जल्दी गोदी में ले ले। सो गाइस फाइनली हम तूफान के सेकंड होम में पहुंच चुके हैं और भाई यहां पर तूफान का दोस्त भी है हस्की, ठीक है, और इनसे मिलवा देता हूं। अब इनके पास रहेगा तूफान और ये स्काई का भी ख्याल रखते हैं और अब तूफान का भी रखेंगे और ये भाई हैं अपने, ठीक है भाई रख तो लोगे ना बढ़िया। चलो ग्रेट, थैंक्स अ लॉट। चलो खुश रहो भाई, दोनों भाई मिलके खेलो। Yes! 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 Y
तूफान को भी छोड़ आए हैं, और भाई साहब शायद उसका और हमारे साथ इतना ही था या पता नहीं क्या है क्या नहीं। और भाई बस मुझे ये हो रहा है कि अगर उसे छोड़कर ही आ रहा था तो मैं लेकर क्यों आया।